हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फ्रेंड्स मैं अमर अंसारी, आप सभी लोगों का रणवीर सिंह एंड कबीर खान की फिल्म 83 के डे नंबर 2 के ऑफिशियल इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड वाइड यानी कि ओवरसीज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? वेल फ्रेंड्स, इट्स बीन बैड टाइम्स फॉर बॉलीवुड एंड द बैड टाइम्स कंटिन्यू। जिस तरह से 83 परफॉर्म करनी चाहिए थी, अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही। दीज आर अलार्मिंग साइंस फॉर बॉलीवुड, जहां पर हॉलीवुड से स्पाइडरमैन नो वे होम, डिस्पाइट एवरीथिंग शो काउंट्स कम, यू नो टिकटें यानी कि मुश्किल से मिल रही है, इतने कम शो काउंट में भी हाउसफुल जा रही है। फ्राइडे कलेक्शन जहाँ 6 है, सैटरडे ऑलमोस्ट 10 आ रहा है, डिस्पाइट द ओमिक्रॉन स्केयर सबको चीर फाड़ के पब्लिक जा रही है देखने। द सेम गोज विद पुष्पा, अनफॉर्चुनेटली द सेम अमाउंट ऑफ लव, वही प्यार वही सपोर्ट 83 को नहीं मिल रहा। 83 क्या है, खराब फिल्म है? नहीं, इट्स वन ऑफ द बेस्ट मेड फिल्म्स यू नो इन द इंडस्ट्री, स्पेशली ये साल में बहुत अच्छी तरीके से बनाई हुई फिल्म है। यूनैनिमस रिव्यूज, एब्सोल्युटली अमेजिंग रिव्यूज फॉर द फिल्म, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक्सेप्टेंस जिस तरह से चाहिए था उतना नहीं है। अब आप लोग बोलोगे इतना अच्छा जंप मिल रहा है पहले से दूसरे दिन तो क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि ये एक बड़ी फिल्म है, इट्स अ बिग बजट फिल्म, और पिछले 2 सालों से इस पर इंटरेस्ट भी चढ़ रहा है। एंड गाइस, अनफॉर्चुनेटली जिस तरह कलेक्शन होना चाहिए था उस तरह कलेक्शन नहीं आ रहा। लेट्स सी गाइस, आज इसका थर्ड डे यानी कि संडे, ग्रोथ तो देखने मिल रही है ना, कैसे भी इसे 20 करोड़ का जो कलेक्शन है वो पार करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली ये मुझे अब इसका लाइफ टाइम जो है कहीं ना कहीं 135-140 करोड़ भी जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा गाइस, क्योंकि अगले हफ्ते जर्सी आएगी एंड जर्सी विल टेक अ सब्सटैंशियल चंक ऑफ 83 स्क्रीन्स। चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। पहले दिन इस फिल्म ने 12.64 करोड़ की कमाई की थी। वेल फ्रेंड्स, ये एपिसोड चलता रहेगा एंड साथ ही मैं आपको पूरे इंडिया में किस तरह से 83 आज बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है उसकी झलकियां दिखाते रहूंगा। मैं आपको इसमें मिराज सिनेमाज जयपुर दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आप सभी लोगों को गोलचा सिनेमाज जयपुर दिखाऊंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम ये भी देखेंगे किस तरह से यहाँ पर आइनॉक्स TI नेक्स्ट मॉल इंदौर में भी अच्छी खासी भीड़ जो है वो चल रही है, और इस थर्ड डे अलोंग विद दैट राजमंदिर सिनेमाज जयपुर में भी अच्छी खासी भीड़ है। तो पहला दिन 12.64 यानी कि 12.64 करोड़ के कलेक्शंस हुए थे। दूसरे दिन की बात करूं तो गाइस, दूसरे दिन द फिल्म सॉ 34% ग्रोथ। यस फ्रेंड्स, 34% बहुत अच्छा है, लेकिन जहां पर 83 34 ले रही है वहीं स्पाइडरमैन ऑलमोस्ट 50% ऊपर, पुष्पा भी ऑलमोस्ट 55-60% ऊपर का जंप दिखा रही है, जो कि 83 को भी दिखाना था। एंड गाइस, तो दूसरे दिन का कलेक्शन है वो है 16.95 करोड़ यानी कि 16.95 करोड़। इसी के साथ 83 का 2 दिनों का कलेक्शन होता है 29.59 करोड़। यहां पर मैं ओमिक्रॉन स्केयर, पोस्ट कोविड ये सारी चीजें कह भी नहीं सकता हूं, क्योंकि गाइस यहां पर स्पाइडरमैन एंड पुष्पा अद्भुत अविश्वसनीय कलेक्शंस कर रही है। तो जब वो फिल्में कर रही है तो ये क्यों नहीं, यही लोगों के समझ के बाहर है। मुझे अभी तक पता नहीं कौन सी ऐसी फिल्म है जिसको इतने अच्छे रिव्यूज मिले डिस्पाइट दैट नॉट डूइंग वेल एट द बॉक्स ऑफिस। एंड गाइस, बात करूं इसे ग्रॉस की तो 2 दिनों का ग्रॉस होता है 33.54 करोड़। अब गाइस बात करते हैं ओवरसीज की। गाइस, हाल फिलहाल में रणवीर सिंह का जो ओवरसीज स्टार पावर है वो बहुत ज्यादा हो चुका है, एंड इसी कारण पहले दिन इस फिल्म ने 11.81 यानी 11.81 करोड़ कमाई की थी, एंड दूसरे दिन का कलेक्शन 7.58 करोड़ का आया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसके साथ 83 ने 2 दिनों में ओवरसीज 19.39 यानी कि 19.39 करोड़ का बहुत ही सॉलिड एंड दमदार ओवरसीज कलेक्शन किया। इसी के साथ 33.54 करोड़ का इंडिया ग्रॉस, 19.39 करोड़ का ओवरसीज ग्रॉस वर्ल्ड वाइड 83 द फिल्म ने 52.93 करोड़ की कमाई कर ली है। अब गाइस, आज इस फिल्म को कैसे भी 20 करोड़ कमाई करनी पड़ेगी एंड ओवरसीज कैसे भी 10 करोड़ कमाई करनी पड़ेगी। अगर ऐसा होता है तो 3 दिनों में यह फिल्म वर्ल्ड वाइड 84 से लेकर 85 करोड़ का एक डिसेंट टोटल पोस्ट कर देगी, एंड इंडिया में अगर ये 20 करोड़ कमाती है देन कहीं ना कहीं इसके 3 दिनों का कलेक्शन शायद 50 करोड़ टच कर लेगा, जो कि थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा निराशाजनक है। पीपल वर एक्सपेक्टिंग अ 20 करोड़ फर्स्ट डे, 24-25 देगा गाइस। यहाँ इतना हुआ इसीलिए हो रहा है क्योंकि कल क्रिसमस का दिन था,
क्रिसमस के दिन 16.95 करोड़ कलेक्शन बहुत ही निराशाजनक है। ये कलेक्शन उन लोगों के लिए जवाब है जो सूर्यवंशी का जो पहला दिन था 26 करोड़, जो वो सवाल उठा रहे थे कि अरे इतना बड़ा दिवाली प्री दिवाली पीरियड सिर्फ 26 करोड़। गाइस सूर्यवंशी ने जो कमाया है वो एक बेंचमार्क है पोस्ट कोविड। आज आपको अहमियत पता चल रही है उस फिल्म की, आज उस कलेक्शन को इससे कंपेयर कीजिए गाइस। क्रिसमस के दिन 16.95 करोड़ इज नॉट अ वेरी इनकरेजिंग फिगर एंड डेफिनेटली क्रिसमस को एटलीस्ट जंप लेना चाहिए था। अगर ऐसा हुआ तो 3 दिनों में 83.50 करोड़ कमाएगी, उसके बाद मंडे 9, 8, 7, 6। ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म अभी कहीं ना कहीं 75 to 80 करोड़ का फर्स्ट वीक करेगी, उसके बाद सेकेंड वीक जर्सी आएगी, उसके बाद ये फिल्म गिरेगी 100 करोड़, उसके बाद ट्रिपल आर आने के बाद इसके पास शोज रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्या 110-115 करोड़ का लाइफ टाइम इतनी बड़ी फिल्म के लिए एक बहुत ही निराशाजनक रहेगा? मेरे पास अनफॉर्चुनेटली समझ में नहीं आ रहा है, समझ के बाहर है कि इतनी अच्छी फिल्म को ऑडियंस क्यों नहीं मिल पा रही है। ओके, अगर 83 नहीं देखी है तो जाके देखिए सिनेमाघरों में। आई हाईली रिकमेंड दिस मूवी फॉर यू, इट्स पार्ट ऑफ अ हिस्ट्री। बहुत अच्छी तरीके से कबीर सिंह ने बनाया इस फिल्म को, डोंट मिस एंड वॉच इट इन अ सिनेमा नियर यू। स्टे कूल मैन।